हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ तीन बुरी लत जो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आज हर आदमी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रति बहुत जागरूक है। हर कोई अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने में लगा हुआ है। कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी में बेस्ट करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयाँ देना चाहता है। मतलब यह है कि अच्छी लाइफ हर किसी को चाहिए। यह बहुत अच्छी सोच है। अगर हर आदमी अपनी लाइफ बेहतर बना ले तो ये देश भी बेहतर बन जाएगा फ्रेंड। आजकल हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है कि आदमी किसी और कारण परेशान नहीं है, बल्कि खुद के कारण ही वे बहुत परेशान है। ये किस कारण होता है? उसकी बुरी आदतों के कारण, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी बुरी लत में बदल जाती है फ्रेंड। जब हमारा जन्म होता है तब ना ही हम अच्छे इंसान होते हैं ना ही बुरे इंसान। मतलब हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। हम जैसे अच्छी आदतें अपनाते हैं उसी तरह बुरी आदतें भी। जो इंसान अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ देता है, वे अपनी लाइफ बड़ी अच्छी तरह से जीता है। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों को कुचक्र में बुरी तरह फंस जाते हैं, जिसका नतीजा होता है उनकी लाइफ का नरक में बदल जाना। इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी वे कौन से रीजन हैं जो एक सुखी इंसान अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। अगर आप में इनमें से कोई भी आदत है जो आज ही खत्म कर दें, अगर नहीं है तो इन्हें कभी भी अपनी लाइफ में अपनाए नहीं। नशे, शराब की लत फ्रेंड। शराब की लत, आज 10 लोगों में से 7 लोग हमें शराब पीने वाले मिल जाते हैं। आदमी के पास खाने के लिए भले ही पैसे ना हो, पर शराब पीने के लिए पैसे का जुगाड़ बन ही जाता है। शराब का सबसे बड़ा शिकार आज यूथ हो रहे हैं, जो हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। पर इस शक्ति में आज नशा मिल चुका है, जो एक युवक को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। मेरे फ्रेंड्स, नशा एक बहुत बुरी लत है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, क्योंकि नशा एक ऐसी बुरी लत है जो हमें जीते जी मार देती है। हम जीते तो हैं पर हम मरे हुए होते हैं। एक नशेड़ी इंसान कभी भी ना खुद का भला कर सकता है और ना ही अपनी फैमिली का। नशे का नुकसान यह है कि हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने परिवार को भी चैन से जीने नहीं देते हैं। नशे से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाता है, और वह छोटी बीमारी नहीं बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ। नशे में इंसान को कुछ भी होश नहीं होता है। क्या वह सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। नशे में आदमी मारपीट तक कर देता है। नशे के कारण ही रेप जैसी घटनाएं होती हैं। नशे के कारण ही लोग सही ढंग से ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं और खुद को मरवा देते हैं। ये नशा ही है जो व्यक्ति अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझता। एक बार अगर आपको इसकी लत लग गई तो आपके बुरे दिन शुरू हो गए फ्रेंड। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, एक नशे के बारे में कभी सोचो ही मत। नशा लेना तो दूर की बात, अगर आपको कोई दोस्त या हितेशी आपको शराब या सिगरेट देता है तो उसे किसी भी कीमत में ग्रहण ना करें, वरना ये सिगरेट एक दिन आपको धुआं बना देगी। इसलिए हैप्पी लाइफ चाहिए तो नशे को कह दीजिए अलविदा। जुए की लत दूसरी बड़ी लत है। जुए की ये ऐसी लत है जिसने आज बहुत फैमिलीज को अमीर से गरीब बना दिया है। इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप यहाँ जी नहीं सकते हैं। फिर भी ये जानते हुए लोग अपनी मेहनत के पैसे को जुए में उड़ा देते हैं। अरे, अगर उड़ाना ही है तो पैसा कमाते क्यों? दिन रात काम करते रहते हो। ये लत इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। जहाँ पैसे का लालच होता है वहाँ आदमी पीछे पीछे भागता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है फ्रेंड, शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के अलावा कहाँ मिल सकता है? महाभारत में जब कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं तो पांडव अपना धन दौलत राज्य पांचों पांडव खुद को दाव में लगाकर हार जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दाव लगाकर हार जाते हैं। जुए का इससे घिनौना उदाहरण और कहाँ मिलेगा फ्रेंड? जुआ खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। जो बना उसे कभी भी इसे पैसे से संतुष्टि नहीं हुई। जो पैसा अपनी मेहनत का नहीं होता वहाँ पैसा किसी काम का नहीं। आदमी उस पैसे की कीमत को पहचान नहीं पाता। ये लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देगी।
जो जुए में पहले अपना पैसा हारते हैं, फिर उसे वापस पाने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेते हैं, फिर उसे भी जुए में हार जाते हैं। यही वह पल होता है जब उस व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो जाती है, वे फिर चाहें भी तो इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इस लत से दूर रहो, जुए को दहकती आग मानकर इससे दूरी बनाए रखो। अगर सावधान रहोगे तो आप भी सेफ रहोगे। सेक्स की लत सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लत है। सेक्स की लत, आज मैं जब अपने आसपास के लड़कों को देखती हूँ तो अधिकतर लड़के सेक्स की सोच में डूबे हुए होते हैं। किसी को भी ना अपने करियर की चिंता है, ना आगे बढ़ने की चिंता है। वह लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हैं, पर उनका ध्यान तो सेक्स की तरफ है। क्या ऐसे में वह कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल पाएंगे? कभी भी नहीं निकल सकते। जिसका अपने उद्देश्य पर ही फोकस नहीं है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड सेक्स गलत है, पर हर चीज़ की एक उम्र और सीमा होती है। जो इसको तोड़ता है उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। एक 20 से 30 साल के यूथ के लिए उसकी ये उम्र जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अगर उसने यहाँ पे मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया तो वह उम्र भर आनंद से अपना जीवन बिताता है। वहीं अगर इस एज में अपने करियर संवारने से भटक गए तब तो आपके जीवन में कई परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। आप शादी के बाद चाहे जो कुछ भी करना चाहें करिए, पर शादी से पहले एक बेहतर इंसान और अपना करियर बना लीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप अपनी शादी को भी बड़े अच्छे से इंजॉय करोगे। दूसरे ऐसे कई लोग होते हैं जो शादी के बाद भी अपने पति पत्नी के अलावा बाहर किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा करना बहुत गलत है फ्रेंड। आप उस इंसान को धोखा देते हैं जो आपके लिए सब कुछ है। जिस दिन आपके पार्टनर को इस बारे में पता चल गया उस दिन आपकी ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। यह लत कितनी बुरी है आपने ज़रूर उदाहरण देखे होंगे। हमारे देश में बड़े बड़े बाबा से लेकर बिजनेसमैन तक इसका शिकार हो चुके हैं और खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए सेक्स को समझिए और इसकी लत से दूर रहिए। अगर आप इस लत के गुलाम बने रहोगे तो आपकी लाइफ एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगी। फ्रेंड, मैंने जो आपको इस वीडियो में 3 लत आपको जो बताई हैं, इन्होंने हमारे सोसाइटी और कई परिवारों को बर्बाद कर चुके हैं। जो लोग आज तक इनके गुलाम बनते आए हैं, इसलिए आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, खुद को देखिए, दोस्तों को कहिए, फैमिली में देखिए। अगर किसी में भी ये लत आपको दिखाई देती है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर करिए, वरना कहीं इतनी देर ना हो जाए उसकी ज़िंदगी नरक बन जाए। ये सच्चाई है फ्रेंड। जिसमें भी ये लत है उसका बर्बाद होना तय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना आपके काम आ सकता है और ना ही समाज का भला कर सकता है। इसलिए खुद को बदलिए। जिसमें भी ये लत है उसका बर्बाद होना तय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना आपके काम आ सकता है और ना ही समाज का भला कर सकता है। इसलिए खुद को बदलिए और उन्हें भी जिन्हें आप जानते हो। जिस किसी में भी ये लत नहीं है वे आज खुश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ना भूलें। मुझे कॉमेंट करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है, उस पर दबाइए और मेरे वीडियो की अपडेट जानते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, जब तक के लिए बाय।